पर्यटन क्षेत्र में विकास करने पर्यटक को ओडिशा को आकृष्ट करने राज्य सरकार इको रिट्रीट माध्यम प्रचेषा आरंभ कर राज्य पर्यटन विभाग पक्ष पांचटी जिले में आरंभ हो इको रिट्रीट से ओडिशार काश्मीर दारिंगबाड़े आरंभ हो इको रिट्रीट एवं धीरे धीरे इको रिट्रीट पर्यटकों भिड़ जमुई पर्यटकों पर सुबंदोबस्त करको रिट्रीट सेपटे दारिंगबाड़ प्राकृतिक सौंदर्यर उपभोग करने विभिन्न पर्यटन स्थल बुली बेस उपभोग कर पर्यटक। मो नाम मानसी बेहरा मु भुवनेश्वर आज जस्ट आम आज पहुँची छू ए समय है पहुँची छु आ बहुत लॉन्ग जर्नी कि दारिंगबाड़ी विषय एक्चुअली आम बहुत आगु शुणीलु आबे इको रिट्रीट विषय लास्ट इयर इको रिट्रीट भल रेस्पन्स होता तेणु यही थर से आम भी पलै आस न्यूली एक्सपीरियंस करने केमती कौन कॉटेज ये सब तो क्लाइमेट तो बहुत ही बढ़िया अच्छी वर्तमान जहाँ भी एमती बुलाबूली मोर आरंभ होनी तो देखा जाऊ नेक्स्ट कौन एक्सपीरियंस हो किंतु बहुत माने फैसिलिटीज बहुत भल माने पूरा जमती लग्जरी लेखाही भी सेमती ही फैसिलिटीज अच्छी तो माने बाथरूम टू नहीं आपणकर शोवा टू नहीं बेड टू नहीं बहुत भल सिस्टम बहुत भल हो देखा जाऊ राति पुणी फंक्शनल सब कौन रखी प्रोग्राम्स ताकू देखिक आहरी ठीक अच्छे ना खाइबा जस्ट हाँ एबे अच्छी तो सिस्टम्स बहुत बढ़िया अच्छी बहुत माने वैरायटीज भी अच्छी जना पड़ुची आ बहुत स्पेशियस भी सब जगह सब तंकर माने फैसिलिटी सबुठी माने बाथरूम टॉयलेट रो भी बहुत ही सुविधा अच्छी आ पानी फाणी सब बहुत भल लगुची वर्तमान सुधा मुझे बुलिनी जस्ट बुलिले आहरी भी केते भल एक्सपीरियंस हम नेचुरली भल हम ठीक अच्छे थैंक यू। पर्यटकों मन मुताबक खाद्य सामग्री प्रस्तुत संपूर्ण स्वच्छ एवं तापमात्रा नियंत्रण में पंचतारका होटेल शैली पर्यटकों प्रस्तुत खाद्य अन्यपटे योग व्यायाम सह पर्यटकों मनोरंजन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यवस्था कर इको रिट्रीट्रे राज्य सरकार एक स्वागत योग्य पदक्षेप यह मध्यम पर्यटन क्षेत्र विकास होगा दारिंगबाड़ी को पर्यटकों फोकस रहिबो बोली आशा बांधि जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग। हाय मेरा नाम शौभिक दास है और मैं यहाँ का FMB मैनेजर हूँ और जैसे कि आप जानते हैं दारिंगबाड़ी में हम लोगों का ये पहली बार हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि इस दारिंगबाड़ी को और थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो इसी वजह से हम लोगों का ये जो दारिंगबाड़ी का प्रोजेक्ट है ये भी हम लोग अभी दिए हैं। और रही बात मैं रेस्टोरेंट की बात करता हूँ कि हम लोग का रेस्टोरेंट जो है दारिंगबाड़ी में अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ही अच्छा ये पहली बार हुआ कि 5 स्टार का सर्विस हम लोग दारिंगबाड़ी में प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे 5 स्टार में 5 स्टार होटल्स में सर्विस होते हैं जो फूड खाना होते हैं जो ड्रिंक्स होते हैं जो सब कुछ होता है वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। और ख़ास करके जो अभी पेंडेमिक का टाइम है हम लोग जो कोविड से आप लोग जानते हैं इतना महीने से हम लोग इसके साथ लड़ते हुए आए हैं तो उसका पूरा पूरी हम लोग ख्याल रखे हैं जो भी उसका प्रोटेक्शन लेना है जो भी हम लोग का स्टाफ्स है जो भी सर्विस पर्सन है वो सब कोविड के मतलब जो भी प्रोटेक्शन हम लोग को लेना चाहिए उस वजह से हम लोग उसके लिए टोटली प्रिपेयर्ड है। और ख़ास करके तो गेस्ट के लिए हम लोग जो भी है टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जो भी खाने का एटलीस्ट टेम्परेचर होना चाहिए उससे हम लोग एकदम वाकिफ है और वो भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। और रही बात खाने का हम लोगों का खाना हाँ जैसे कि हम लोग यहाँ पे सर्व करते क्या क्या जैसे कॉन्टिनेंटल है चाइनीज़ है इंडियन है और क्योंकि हम लोग दारिंगबाड़ी में है तो दारिंगबाड़ी का भी स्पेशल फूड जो है उसको भी हम लोग अपने खाने के लिस्ट में शामिल किया हुआ है तो और इधर का भी जो मोटा मोटी लोकल जो गेस्ट है वो भी मोटा मोटी हेल्प बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है। और जैसे कि हम लोग फुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं 5 स्टार सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ सुबह का नाश्ता में देखिए हम लोग ब्रेकफास्ट अमेरिकन ब्रेकफास्ट इंडियन ब्रेकफास्ट कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट सब कुछ है जैसे जैसे गेस्ट का रिक्वायरमेंट होते क्योंकि यहाँ पर देखिए सब अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं तो उन्हीं के हिसाब से हम लोग ये ब्रेकफास्ट का ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और लंच में हम लोगों का मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट जो खाना है जैसे इंडियन चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल सब कुछ आपको मिलेगा। डेजर्ट भी आपका लोकल डेजर्ट भी हम लोग रखे हैं क्योंकि हम दारिंगबाड़ी में ये स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं तो दारिंगबाड़ी को भी साथ में लेके चलते हैं।
शाम को हम लोग का हाई टी है जिसमें आपका चाय कॉफ़ी स्नैक्स वगैरह पकौड़ेज ये सारे मिलेंगे आपको। डिनर में भी सेम आपका रहेगा, टू टाइप ऑफ सूप्स रहेंगे, स्टार्टर रहेगा, दो टाइप का वेज स्टार्टर, दो टाइप का नॉन वेज स्टार्टर, अलॉन्ग विद आपका रोटी राइस, हाँ कॉन्टिनेंटल पास्ता, चाइनीज नूडल्स, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार, मुझे जिला पर्यटन अधिकारी आउ वर्तमान आमर ओडिशा सरकार पर्यटन विभाग तरफ बर्तमान पांचटी जगार आम इको रिट्रीट बा ग्लैमरस कैंपिंग आरंभ होई आर वर्ष गत वर्ष चंद्रभागा होता बर्तमान आमर जो चारोटी जगह जो अधिक आड कराई ता दे आमर जो कहते ओडिशार काश्मीर दारिंगवाड़ी को अंतर्भुक्त कराई आठ आमर 25 लग्जरी टेन्ट्स निर्माण कराई सहित सहित जो मैंने आस समस्त कोविड प्रोटोकल गाइडलाइंस अनुसार भल भाव सानिटाइज कराऊ सोशल डिस्टेंसिंग रखा आउ बाहर लोक आम ये प्रवेश अनुमति देनु प्रतिदिन मैंने सब जाऊँ बाहर क्षेत्र जो दर्शन स्थान जो अच्छी टूरिंग स्पॉट जो अच्छी दारसिंगबाड़ी वाटरफॉल हो कि जो अच्छी पाइन फॉरेस्ट हो लवर्स पॉइंट अच्छी बुलाल कर जो अच्छा जो एजेंट्स नहीं सी भेरी प्रोफेशनल और जो विभिन्न जो डिविजन अच्छी गोटे अच्छी जो गाइड अच्छा आर जो अच्छे ट्रावेलर्स एक्सपर्ट्स सब लोक सहित भल मिशन जो मैंने आस गेस्ट से गला भल फेवरेबल बहुत फीडबैक्स देखिए जाऊँच आउ जो प्रोग्राम आम 9 तारीख आरंभ हो 28 तारीख फेब्रुआरी 28 तारीख पर्यटन चलो आ मुझे आशा कर बहुत मानने बहुत सक्सेसफुल भी हम ओडिशा सरकार पदक्षेप ये जो आम जो अच्छी ओडिशा रो काश्मीर जो कहते ये केवल ओडिशा काश्मीर बर्तमान से भारत पर्यटन मानचित्र एक स्वतंत्र स्थान ना जाऊँगी। नमस्कार, मो ना लुब्ना पटनायक, मुझे इको रिट्रीट दारिंगबाड़ी में मुझे टूर गाइड हिसाब से आसी टूर गाइड और कल्चरल प्रोग्राम दुईटा को मंडर अच्छी टूर गाइड में मुझे यहाँ कें कि जो मैंने लोक सब आसती ये साइट सींग हुए साइट सींग कौन कौन अच्छी ना मृदुबंध वाटरफॉल तापर अच्छी लवर्स पॉइंट और सरस्वती केव जोटा से नुआ खोजिक इनवेट करूँ से लोक मैंने बहुत जाऊँच जगह बहुत पसंद करो सागर जो लोक मैंने जाऊँच भी एंजय करो सहित जाकि बुलिक आसान फिडबैक भी भल दे कि नाई आम जो स्टाफ सहित जाइलु से स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव सहित आम बहुत कंफर्टेबल फैमिली हूँ फ्रेंड्स हूँ समस्त आसिक मस्त मजा करके बुलिक जाऊँ रात जहाँ भी सब असुविधा हो सुविधा होने आसिक आराम से मतलब कहते कि आम यहाँ फिल कलु से फिल कलु आप बहुत खुशी अच्छा आपण मैंने बहुत हेल्प करमको से ठीक है। 8 मास पर पुनर्बार आरंभ हो गला पर्यटक स्थल जहाँकि कंधमाल जिला काश्मीर कहुआ दारिंगबाड़ी से जगार इक्यूरेट तार जो करागर उत्तम बंदोबस्त कर दारिंगबाड़ी फिलीप कुमार दिगल प्रतिज्ञा टीवी।